Hello friends, I am Sharmila. Today we are going to study a next topic of a lesson environmental management. And आज के topic में हम environmental conservation and biodiversity का ही एक important topic यहाँ पे study करने वाले हैं. तो ये जो topic है वो है scared grooves. तो इंडिया में ऐसे बहुत सारे forest बनाए गए हैं या लोगों ने maintain किए गए हैं जिनको scared groove कहा गया है. The forest conserved in the name of a god and considered to be a scared is called as a scared groove. अभी यहाँ पे grooves का मतलब क्या है कि वो घना जंगल है. Grooves यानी कि बहुत घना जंगल बनाया गया है और उसमें किसी को जाना एंटर नहीं है, यानी कोई ह्यूमन वहां पे एंटर नहीं कर सकता है, इसलिए उसको स्केयर ग्रूव्स कहा गया है. और ये जो फॉरेस्ट है ये गॉड के नाम पे ऐसे के ऐसे ही रखा गया है, यानी कि वो प्लेस इज कंसिडर्ड एज अ गॉड्स प्लेस, सो ह्यूमन कैनॉट एंटर ओवर देयर. देयर आर इन फैक्ट अ सेंचुरीज कंजर्व्ड बाय द सोसाइटी एंड Not by the government forest department. तो ये जो ऐसा area है ये वो जो local people है उनकी society ने ही conserve किया गया है God के नाम पे, ना कि government forest department ने. And as it has been conserved in the name of the God, it has a special protection. तो ये God के नाम पे conserve किया गया है, इसके लिए उसको special protection है. वहां पे कोई human enter नहीं कर सकता है, यहाँ पे deforestation वगैरह ऐसे कुछ भी नहीं हो सकता है. This cluster of a thick forest are present not only in western घाट of India but in the entire country. तो ये जो ऐसे scared grooves जो है वो only western घाट में ही नहीं बल्कि वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे कंट्री में है. मोर देन 13,000 स्केयर ग्रूव्स हैव बीन रिपोर्टेड इन इंडिया. उसमें से इंडिया में ही 13,000 स्केयर ग्रूव्स प्रेजेंट है. अभी हम देखेंगे सम सिंबल्स आर गिवन बिलो. फाइंड द मीनिंग ऑफ दोज सिंबल्स इन रिलेशन टू द एनवायरमेंट कंजर्वेशन. मेक अ लिस्ट ऑफ सच अदर सिंबल्स. तो यहाँ पे कुछ अलग अलग सिंबल्स दिए हैं. फर्स्ट सिंबल में दिखाया गया है कि जो भी वेस्ट मटेरियल्स होता है तो वो डस्टबिन में डालना चाहिए, ना कि इधर उधर फेंकना चाहिए. नेक्स्ट वन है साइकिल. साइकिल यूज करने से एनवायरमेंट में पोल्यूशन नहीं होता है. नेक्स्ट सिंबल रिप्रेजेंट टू सेव द वॉटर. हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व. तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए बहुत से प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए हैं, वो यहाँ पे बताए गए हैं. प्रोटेक्टिंग द रेयर स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ये क्यों किया जाता है? रेयर स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने से क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी मेंटेन होती है, क्योंकि वो स्पीसीज रेयर है, वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने वाली है, तो वो स्पीसीज को हमें बचाना चाहिए. नेक्स्ट वन है एस्टेब्लिशिंग नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज. अगर हम नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज बनाते हैं तो ये जो प्लांट है, एनिमल्स है, उनको एक प्रोटेक्शन मिल जाता है और ये उनकी स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने से बच जाती है. नेक्स्ट वन डिक्लेयरिंग सम रीजन एज अ बायोडाइवर्स. यहाँ पे कुछ रीजन को हम बायोडाइवर्स रीजन करके भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ताकि वहां की जो बायोडाइवर्सिटी है वो हम मेंटेन कर सकें. नेक्स्ट वन है प्रोजेक्ट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ अ स्पेशल स्पीसीज. जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही है वो स्पीसीज के लिए हमें एक प्रोजेक्ट मेंटेन करना चाहिए, प्रोजेक्ट लेना चाहिए और एक्सटिंक्ट होने वाले स्पीसीज को कंजर्व करना चाहिए. जैसे कि टाइगर के स्पीसीज, पांडास के स्पीसीज कम होते जा रहे हैं, तो उनको हमें कंजर्व करना चाहिए. नेक्स्ट वन कंजर्विंग ऑल प्लांट एंड एनिमल्स. यहाँ पे और भी एक इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है, सिर्फ एक्सटिंक्ट होने वाले स्पीसीज नहीं बल्कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स को हमें कंजर्व करना चाहिए. ऑब्जर्विंग द रूल्स, ये सारे रूल्स हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए. मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ अ ट्रेडिशनल नॉलेज. ट्रेडिशनल नॉलेज का रिकॉर्ड यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्यों बताया गया है, क्योंकि पहले जमाने में जो प्लांट्स एंड एनिमल्स थे वो बहुत ही हेल्दी अच्छे थे और उसको प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया, उसकी वजह से वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं. तो ट्रेडिशनल मेथड से उनको कैसे प्रोटेक्ट करते थे लोग, उसके बारे में भी रिकॉर्ड रखना हमें जरूरी है.
Till now, we have studied the rule and regulation about the environmental conservation and protection in this lesson. Many people in the society are voluntarily coming together to perform this work. Many institutions at a state, national and international level are involved in this work. तो यहाँ पे हमने बहुत सारे इसके रूल्स देखे, रेगुलेशंस देखे, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, उसको कंजर्व कैसे करते हैं, उसके बारे में स्टडी किया. यहाँ पे बहुत सारे पीपल ऐसे होते हैं जो खुद की मर्जी से ये काम करने के लिए आते हैं और उन्होंने बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी बनाए गए हैं. वो इंस्टीट्यूशन के बारे में हम स्टडी करते हैं. वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस में कौन से इंस्टीट्यूशन आते हैं उसके बारे में देखेंगे. बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई. नेक्स्ट वन है सीपीआर गवर्नमेंट ग्रुप न्यू चेन्नई. गांधी प्लेस फाउंडेशन एनवायरमेंट सेल दिल्ली. चिपको सेंटर तेहरी गरवाल. सेंटर ऑफ द एनवायरमेंट एजुकेशन अहमदाबाद. केरला साइंस लिटरेचर काउंसिल त्रिवेंद्रम. इंडियन एग्रो इंस्टीट्यूट फाउंडेशन पुणे. विक्रम साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर अहमदाबाद. ये हो गए वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन. और अभी हम देखेंगे इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस. तो वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अ कंजर्वेशन ऑफ अ नेचर IUCN, ग्लैंड वीडी स्विट्जरलैंड. इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन अ क्लाइमेट चेंज IPCC जिनेवा. थर्ड है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम जिनेवा. फोर्थ वर्ल्ड वाइड फंड न्यूयॉर्क. फिफ्थ वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल कैम्ब्रिज. ग्रीन क्लाइमेट फंड सोंगडो एस कोरिया. तो इस तरह से हमने वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लिया है.